बस लेफ्ट देखिए फॉरम रिजेक्ट वहां से किया गया। मैं एक ऐसा इंसान हूं, आई बिलीव इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, आई बिलीव एंड आई हैव फुल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड वी आर गोइंग टू बीरवा एज वेल एंड इंशाल्लाह रहमान। अगर यहां से भी हमें सिस्टम के जरिए या कुछ गुंडों के जरिए रिजेक्शन मिल जाता है या बीरवा से, आई विल ट्राई इन नॉर्थ कश्मीर बिकॉज आई एम विद एवरी प्रिजनर ऑफ कश्मीर। मैं खाली सज्जान साहब के लिए नहीं है, आपको सबको मालूम होगा कि जब इंजीनियर साहब ने नॉमिनेशन डाला, आई वॉज कैंपेनिंग फॉर हिम, मुझे उसमें एफआईआर भी लगा। देखिए डेमोक्रेसी का सिंपल एक ही मतलब है, वेयर पीपल आर पावरफुल वेयर इक्वालिटी इज हेल्ड। अगर इक्वालिटी का मतलब है, अगर बाहर लोगों को हक लड़ने का इलेक्शन है तो सज्जान साहब को भी, दो ही वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, अगर इफ ही इज ट्राइंग टू कम ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस, ही शुड बी अलाउड, ही शुड बी गिवन अ फेयर चांस। तो मुझे उम्मीद है कि उनको एक फेयर चांस दिया जाएगा एंड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल डेफिनेटली, जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो वहां से वो लड़े और लोग उनको सपोर्ट करें और वो जीते, मेरा इतना ही मानना है। साउथ कश्मीर से फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उनका कहना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि रिक्वायरमेंट में कहीं पर कमी थी। देखिए मुझे बताइए, ही इज अ पोलिटिकल प्रिजनर, ही इज बिहाइंड बार्स इन द सेंट्रल जेल ऑफ जम्मू श्रीनगर। मुझे ये बताइए हाउ कम इट इज पॉसिबल, अगर आप कहोगे कि आप ये, आपको एक चीज थोड़ी सी, हालांकि मैं आपको कहूंगा कि वो जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने रीजन दिया, मैं उनका डॉक्यूमेंट दूंगा जो हमने 27 तारीख को वहां से लिया, उसमें वो खुद लिखते हैं कि इन्होंने नॉमिनेशन, इन्होंने ऑथ फॉर्म सबमिट, उसमें यस लिखता है, वो मेरे पास वो फॉर्म मौजूद है। जब से जैसे कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा मैं वो फॉर्म आप सब सब मीडिया के साथ, तमाम कश्मीर के नौजवानों भाई बहनों के साथ शेयर करूंगा, उसमें आप खुद देखेंगे, वो खुद लिखते हैं इनका नॉमिनेशन पेपर कंप्लीट है, इनका ये जो ऑथ फॉर्म है वो भी हमने लिया। लेकिन उसके बाद अगर आप कहेंगे कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हाउ इट इज पॉसिबल जेल में वो बंदा है कि आप सुबह 10 बजे अगर उससे 10:30 भी 10:30 लेते हो, हाउ यू विल रीच देयर बाय 11 या बाय 10, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस। आज जो आपने यहाँ पे नॉमिनेशन भरा या बीरवा में भरा, तो आपको लगता है कि किसी कागज की कमी नहीं रही है? कागज की कोई कमी नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिली रीजंस नहीं दिए जाएंगे। मैंने पहले ही कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा इतना बड़ा बार नहीं रखा, देयर आर ओनली फ्यू फंडामेंटल थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन द चेकलिस्ट, दैट इज द ओथ फॉर्म, दैट इज बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड दिस एफिडेविट, वो हमने सारे दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई भी होती है, देयर इज नो ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, बट कोई सिली रीजंस देके रिजेक्शन किया जाएगा, दैट्स नॉट डेमोक्रेसी एंड दैट्स नॉट इक्वालिटी एंड दैट्स नॉट इवन जस्टिस। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर उनको फेयर चांस यहां से दिया जाता है और बीरवा से भी एक्सेप्ट हो जाता है दोनों जगह से, देन वी विल डिसाइड। लालची नहीं है, आई एम फाइटिंग फॉर सरजान बरकाती, व्हाई, बिकॉज उसकी बेटी और उसके बच्चे जिंदा यतीम हैं, 15-16 साल की बेटी, 8 साल का बेटा, बेटी को 10वीं से निकाला गया, कोई कश्मीरी उनके पास गया, सरकार में कोई उनके पास गया, अगर सरजान साहब की मैं मानता हूं, चलो लेट इट बी, और कोई गलती होगी, उनकी बेटी को राइट टू एजुकेशन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21, उनको हक नहीं है उसका, उनको क्यों निकाला गया स्कूल से, क्यों वो पढ़ नहीं सकती है, इसका जवाब चाहिए ना मुझे। लेकिन अगर यहां से रिजेक्ट होता है या वहां से रिजेक्ट होता है, मुझे उम्मीद तो रिजेक्ट नहीं होगा इस बार, अगर अब कुछ हो भी गया तो आई बिलीव इंशाल्लाह रहमान 110% वी विल मूव टू दिस नॉर्थ कश्मीर, वहां पे भी मैं ट्राई करूंगा। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मैं ये पहले ही मानता हूं, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना हो उस हाल में जीना मर्दी है। आई बिलीव इन दीज वर्ड्स और विद दिस मैं हैंड फॉर रिक्वेस्ट, ये जो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज प्रोक्सीज एंड ऑल दैट, मैं इनको पूछता हूं, मैं आदम नजीर खान ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ना पीडीपी से, ना किसी और से खुद के लिए मैंडेट मांग रहा, किसी से नहीं, बट मैं बोल रहा हूं कि कांट यू एडजस्ट वन पर्सन, सज्जान बरकाती इज वन पर्सन, देर आर 90 सीट्स इन जे एंड के, क्या ये एक सीट पर अपने कैंडिडेट्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं? What Umar Saab is saying, what Mahmood Aziz is saying, हाँ अगर इनको दर्द है ये कहेंगे कि जनाब आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं जिस पे आप 10 साल से मेहनत कर रहे हैं 5 साल से मेहनत कर रहे हैं वहां से क्यों नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम गोइंग टू कंटेस्ट माई इलेक्शन फ्रॉम गुलमर्ग 11। अगर ये पोलिटिकल पार्टी सारी रेडी हो जाती है, लेट्स लीव दिस फॉर लीव दिस सीट फॉर द पोलिटिकल प्रिजनर सज्जान बरकाती, मैं पहला बंदा जो पहले ही अपना विड्रॉ करेगा, आई विल नॉट फाइल माई नॉमिनेशन, अगर ये तैयार हो जाते हम यहां से भी फिर विड्रॉ करेंगे, दूसरी जगह से भी विड्रॉ करेंगे, बट एटलीस्ट इनको कश्मीर को तो दिखाना चाहिए ना, अगर आप हमदर्दी दिखाते हैं इंसाफ की बात करते हैं, अगर आप 90 सीट में एक सीट सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हाउ कैन वी बिलीव कि आप इस कौम के साथ इंसाफ करोगे आने वाले वक्त में। थैंक यू सो मच।